यूट्यूबर विद्या देवी द्वारा शुक्रवार की शाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन था ऐसा पवन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बांधे होते हैं, जो धर्म जाति और देश की सीमाओं से परे है। वही बड़ी संख्या में महिलाएं विद्या देवी को अपने भाई के रूप में देखते हुए विद्या देवी के कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके लंबी उम्र की कामना करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत में अनु दीदी ने विद्या देवी को चुनरी उड़ाकर विद्या देवी के कलाई में राखी बांधी और आरती उतारी, जिसके बाद विद्या देवी ने उनको गले लगाया और अनु दीदी को उपहार भेंट किया। उसी प्रकार विद्या देवी ने कलाई में राखी बंधवाने के बाद सभी को उपहार भेंट किया। यह पहली बार नहीं बल्कि कई सालों से इस प्रकार से सभी महिलाएं अपने प्यार को विद्या देवी के कलाई में राखी बांधकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। कार्यक्रम के दौरान पूरा हॉल महिलाओं से भरा रहा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था विद्या देवी का, देखिए। बहुत सारी है ये एक्चुअली टोटल 12 साल हो गया है और 12 साल से हर साल इसी तरह से हम सेलिब्रेशन करते हैं लेडीज का, क्योंकि एक गेट टुगेदर हो जाता है और एक लेडीज और एक लेडीज का सपोर्ट हो जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए जब बोलते हैं जब भाई के हाथ में कलाई में जब राखी बांधते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनी, तो आप किस तरह से सभी बहनों को साथ लेकर नहीं, मैं तो उनके लिए हमेशा खड़ी हूँ। मैंने तो कहा है कि सिर्फ राखी बांध के नहीं, लोग अगर मैं नहीं भी बोलूँ ना तो भी ये मुझे 10 दिन पहले से याद दिलाती है कि रक्षाबंधन आ रहा है और आप मतलब कब बुला रही राखी बांधने। और अगर बाई चांस किसी जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में हमने नहीं किया था तो भी रक्षाबंधन के दिन औरतें आ गई थी राखी बांधने, मेरी अन्नू जी तक आ गई थी राखी बांधने रक्षाबंधन के दिन। ऐसे कितना अच्छा लगता है जब लोगों का इतना सारा प्यार, क्योंकि एक नहीं दो नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 50-60 राखियां, अरे अभी बाकी अभी सब आ रहे शुरुआत है, तो कितनी खुशी मिलती है जब लोग इतने प्यार मोहब्बत के साथ आपको बहुत आपके हाथ में राखी बांधने आते हैं। नहीं बहुत सारी खुशी मिलती है एक्चुअली। कैसे मुझे शायद 8 साल हो गए मैंने किसी को राखी नहीं बांधी है, लेकिन जब ये लोग मुझे राखी बांधते थे एहसास होता है कि मेरी जिम्मेदारी है इनकी तरफ। आज मेरी बहन भी आई हुई है तो एक्चुअली एक अकेला रिश्ता है जिसको मैं बहन कह सकती हूँ, हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उनके बच्चे आज मुझे मौसी कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वो भी मुझे बहुत सालों बाद मिली है। तो बंगलामुखी मंदिर से जिस तरह से आप मिली है पूजा अर्चना, हाँ, किस तरह से पूजा अर्चना आप करती हैं और लोगों को किस तरह से इसका लाभ आपके माध्यम से मिल सकता है? देखिए बंगलामुखी की पूजा का एक्चुअली जो थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट है कि उससे दुश्मनों का विनाश होता है, ऐसा नहीं है। मैंने जब से बंगलामुखी की पूजा की उसमें मैंने ये माना है कि मतलब वो मंत्र है ना, ओम ह्लीम बगलामुखे सर्व दुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा किलम बुद्धिनाशय ह्लीम त्वा, तो मतलब ये मंत्र में इतनी ताकत है कि हम जहां भी जाएंगे ना हर जगह हमारी जीत होती है। तो ये एक तरह से कहते हैं ना, इस मंत्र में ही इतना ताकत है कि आदमी अपने आप में ही एक
ताकत बन जाता है, मतलब उसके आगे अगर कोई दुश्मन कितना भी बड़ा दुश्मन आने दो वो आपसे आंख मिला के बात नहीं कर सकता। आपने भी एक बात कही कि 8 साल से आप किसी को राखी नहीं बांधती, क्या वजह? बस मेरा मन नहीं करता ऐसे ही, मतलब नहीं इच्छा है बांधने की किसी को, और कुछ नहीं। हाँ, तो आप क्या दर्शकों से कहना चाहेंगी? बस कुछ नहीं कहूंगी, देखिए जो भी हम पूजा पाठ करते हैं पंडित, उन्हें आप गलत मत समझिए, हमारा काम है। अभी जैसे मेरा काम है तांत्रिक का, मुझे बहुत सारे लोग बहुत तरह का काम देते हैं, मारण मोहन वशीकरण, बहुत सारे लोग मारण क्रिया को भी गलत में ले लेते हैं। मारण क्रिया का मतलब सिर्फ आदमी को, इंसान को मारना नहीं होता, उनके दिमाग के कचड़े को मारना होता है। आज की तारीख में जो नेगेटिविटी चली गई है, और सीधी सी बात है अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा, तो मैं ही करूंगी ना, और खा जाएंगे ऐसा। तो 8 साल से इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभा रही हो, इतने सारी राखियां जब आपके पास? 8 साल से मैं नहीं निभा रही हूँ, ये औरतें निभा रही हैं। मैं तो एक बार भूल भी जाऊँ तो ये मुझे याद दिला देती है एक महीना पहले की रक्षाबंधन आ रहा है और हम आ रहे राखी बांधने। ऐसा रक्षाबंधन के दिन किस तरह का आपका होता है? रक्षाबंधन के दिन तो मेरे बच्चों के साथ ही होता है बस, वो एक दूसरे को राखी बांधते हैं, हम मंदिर जाते हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। भाई बहन के रिश्ते को आपके शब्दों में कैसे समझते, कैसे आगे? भाई बहन का रिश्ता तो देखो आज की तारीख में जिस तरह से कहा जा रहा है उसे तो कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन एक रिश्ते का महत्व ऐसा होता है ना कि एक प्यार का बंधन है ये, एक दूसरे को हम प्यार से राखी इसलिए बांधती बहन कि वो सोचती है कि मैं अपने भाई के हाथ में राखी बांधूं तो इसकी हमेशा रक्षा हो। देखिए रक्षाबंधन के दिन भद्रा लग जाता है, उस भद्रा में भी लोग राखी नहीं बांधते कि मेरे भाई को कुछ हो नहीं, और भाई भी बड़े शौक से, आप देखिएगा उस दिन रक्षाबंधन के दिन एक ऐसा दिन रहता है ना कि भाई कितनी भी दूर रहेगा अगर जिसकी बहनें नहीं होती ना उसके आंख में आंसू आ जाते, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन के दिन राखी का असली महत्व पता चलता है ना, ऐसा होता है, वो दिन बहुत प्यारा रहता है। थैंक यू।